अगर मैं रोऊंगा तो भी वो आंसू दिखेंगे नहीं। तोंदे भाई सच में तुम्हारी ये वीडियो को देख के मेरे को रोना आ गया। और तोंदे भाई मैंने तुमसे ना एक चीज तो जरूर सीख लिया है, भैया वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। एनीवे स्वागत है मित्रों तुम्हारा लौड़ा लसन के एक और नए वीडियो में। अच्छा लगता है यार वीडियो डीमोनेटाइज करवा के। और देखो एक और चीज देख के बहुत अच्छा लगता है और वो है तुम सभी का प्यार मेरे प्रति, यहाँ पे और यहाँ पे। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ने। आजकल वीडियो डालने का डेट बड़ा जल्दी आ जा रहा है मित्रों, तुम्हें नहीं लगता कि कम्युनिटी में गर्म माहौल होके बड़ा समय हो चुका है। वैसे तुम सभी को पता ही चल गया होगा कि 21 मार्च को नेपाल बांग्लादेश के सर्वर में, इसका मतलब अब इंडियन रीजन में सिर्फ इंडियन प्लेयर्स रहेंगे। अब ना भैया एक चीज सोचने वाली है कि गरेना फालतू के काम करने में बहुत आगे है। मतलब कहीं ना कहीं सोचना ये है कि ये करने की क्या जरूरत है, नहीं मतलब गरेना के बैन और डिलीट के चक्कर में वैसे ही सभी के लौड़े लगे पड़े हैं और गरेना ऊपर से और दर्द दे रहा है। मतलब ये 2 महीना ना दर्द से भरा हुआ था। बस कृपया करके गरेना अब कुछ अच्छा करो और खुशी पहुंचाओ। एक तो महीना भर हो गया और कोई अपडेट नहीं आया कि गेम भैया किस स्थिति पे है एंड ऑल। एक तो गेम में इवेंट्स नहीं आ रहे ढंग के, एक तो गेम में ग्लिचेस से परेशान है। वैसे देखो ग्लिच से याद आया, तुम लोग कौन से ग्लिच से आए दिन सामना करते रहते हो बता दो भैया कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को जानना है। तुम्हारे कमेंट करने से ये भी पता चल जाएगा कि कितने ग्लिचेस है और कितने की बढ़ोतरी हो रही है। अब देखो तुम्हारी टिप्पणी तो मैं वीडियो के 2 घंटे बाद देख लूंगा। अब तुम्हें ना कल की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। तो कल हुआ क्या, बड़े टाइम बाद अपन गेम खेल रहा था और बड़े टाइम बाद एक बड़ा ग्लिच देखने को मिला। तो हुआ क्या कि कल अपन गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ अपन मर चुका है और स्पेक्टेट कर रहा है अपने एक बंदे को। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना बंदा उतरा था बीमा शक्ति पे और जैसे ही ये अपनी गांड टिकाने जा रहा था एल शेप पे, ये भाई का ट्रांसफर हो गया हैंगर पे। देखो कोई बड़ा ग्लिच नहीं है, बहुत छोटा है। और अगर ये तुम्हारे साथ भी हो चुका है तो बता दो कमेंट करके। अपना बड़े दिनों बाद तुम सभी को एक होमवर्क दिया जाता है एंड पिछले बार की तरह ये होमवर्क भी तुम सभी अच्छे से करोगे ये उम्मीद है। तो तुम्हें करना कुछ ये है कि जितना भी ग्लिच गेम का तुम्हें देखने को मिलता है इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद अपन के डिस्कॉर्ड पे जाओ और वहाँ तुम्हें एक चैनल देखने को मिलेगा FF ग्लिच करके, वहाँ वो वीडियो को सेंड कर दो। इसके बाद सभी के वीडियो पे रिएक्ट करते हुए अपन एक कंटेंट बनाएंगे और तुम सभी को फीचर करेंगे ये चैनल पे, और इसी बात पे ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। वैसे ये सब चीजें एक तरफ रखते हैं और बात करते हैं सर्वर चेंज पे। को सर्वर चेंज हो रहा है इसके लिए रोने की जरूरत नहीं। और तोड़ने भाई कर लेना ना यार यूजी से कॉल पे बात, ऐसे भी वो दर महीने आता रहता है तुमसे नहीं सुनीता से मिलने। देखो तोंदे भाई रोने की जरूरत नहीं, मेरे को डीएम कर देना मैं बात कर लूंगा 1 घंटा। पर देखो तोंदे भाई यूजी की बात मत करना मेरे साथ। अब सर्वर चेंज होने के बाद बहुत लोगों का कहना था कि भाई अब तो गेम के लौड़े लग जाएंगे, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कभी कभी जो अपन सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। देखो ऐसा नहीं है, सर्वर चेंज होने के बाद हाँ भाई मर्ज होने के बाद बांग्लादेश में कुछ कुछ जगहों पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। देखो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो है ई-स्पोर्ट्स की। अब सबसे बड़ा सवाल अपन का ये उठता है, मान के चलो कि एक टीम है XYZ करके और वो टीम के 2 प्लेयर इंडिया के हैं और 2 नेपाल के, तो तुम सभी को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसके वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलो बड़ी टीम का मान लेते हैं कि वो बूट कैंप पे रह सकते हैं, अंडर 1 रूफ रहते हैं, पर भैया जो अंडरडॉग्स टीम है उनका क्या, उनके तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में लौड़े लग सकते हैं। तो सर्वर चेंज होने के बाद ई स्पोर्ट्स में एक दिक्कत हो सकती है। अब देखो अपन ने चर्चा तो काफी कर लिया, अब चलते हैं मेरे सबसे बेस्ट पार्ट में। जैसा कि तुम्हें पता है कि फ्री फायर में टॉप अप करने में कितनी डिफिकल्टीज मुश्किलें हो रही है आफ्टर दिस बैन डिलीटेशन एंड ऑल, तो इंट्रोड्यूसिंग गेम बैंक। गेम बैंक एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे तुम फ्री फायर के डायमंड्स का टॉप अप कर सकते हो। गेम बैंक की खास बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें डायमंड्स थोड़े लो प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। गेम बैंक पे 100% गारंटी तुम्हें डायमंड्स की डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। मान के चलो कि तुम्हें डायमंड्स खरीदना है तो तुम जाओगे gamebank.com पे, अपना पैकेज सिलेक्ट करोगे एंड डायमंड परचेज करोगे। और डायमंड परचेज करने के बाद तुम्हारा मन करता है कि नहीं यार अब मेरे को कैंसिल करना है, मेरे को पैसे नहीं डालना है, तो तुम 2 से 5 मिनट के बीच में अपना परचेज कैंसिल कर सकते हो जिसका रिफंड तुम्हें इनिशिएट कर दिया जाएगा। बांग्लादेश का सर्वर अलग हुआ है, कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रहा है। सीएस के मैच मेकिंग की कैसी माचूदी पड़ी है कि आई थिंक उनको तो बिल्कुल जरूरत नहीं, भैया दिन रात सीएस खेलते हैं। और अभी तो नेपाल हटा भी नहीं है सर्वर से, नेपाल के हटने पे कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। दूसरा प्रॉब्लम जो सर्वर चेंज होने के बाद
बाद होगा। अब एक और दिक्कत देखने को मिल सकता है सर्वर चेंज होने के बाद, और ये दिक्कत होगा इवेंट्स का, क्योंकि भैया इवेंट्स चेंज हो जाएंगे सर्वर के लिए। देखो काफी हद तक तो इवेंट्स सिमिलर रहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे इवेंट्स देखने को मिलेंगे नेपाल को। देखो ये इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। देखो ये प्रॉब्लम्स तो ठीक है, चलो और भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, शायद अपन के दिमाग में ना आया हो। चलो ये सब तो कहीं ना कहीं ठीक है, मेरे को ना नेपाल का बांग्लादेश सर्वर में मर्ज होने का रीजन जानना है, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है। अब गरेना ने तो कहने के लिए कह दिया है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है तो पता नहीं, और एक्सपीरियंस सही हो या ना हो, पर अब गेम की दोस्ती कहीं ना कहीं नहीं रह पाएगी। तुंदे भाई मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, डीएम मेरे खुले तो डीएम मी फॉर फन। इसी के साथ यह वीडियो को करते हैं समाप्त। देखो वीडियो छोड़ के जाने से पहले अपन इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ तुम्हें दिन भर की चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये रहा इंस्टाग्राम, जाके फॉलो कर लो अब बिच। तो बस मित्रों आज ये वीडियो में इतना ही, एंड तुम सभी को और तुम्हारे फैमिली को हैप्पी होली। एक और बात, भांग पीना भांग घोसड़ा मत करना।